अल्लाह 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 अल्लाह। कहते हैं कि जी नर कबूतर को काले अरकान के नाप पर रखते हैं, कबूतर तड़प तड़प के मर जाए, अल्लाह आलम अगर इलाज है तो ठीक है, इलाज में तो जायज़ है। ओ बाबा ठीक है, चलो अहमद रज़ा ने नहीं कहा होगा, आप उसको आला हज़रत तो कहते हैं ना, इसमें तो इख्तलाफ नहीं, तो किसी को आला कहना जायज़ है। ये तो फिरौन ने कहा था ना रब्बुकुम अला, चलो पहले तुम उसका नाम ठीक कर लो, शेर मैं ढूंढ के दे दूंगा, मलफूजात में है। कहते हैं कि आजकल यूट्यूब पर एक आदमी है मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसका नाम है, वो आपको भी गलत कह, मिर्ज़ा का नाम भी तो ख़तरनाक है ना, मिर्ज़ा है ना, जब मिर्ज़ा है तो मिर्ज़ाई से भी हो सकता है ना। बहरहाल दुआ कर अल्लाह उसको हिदायत, वो हमें बुरा कहता है हम उसके लिए हिदायत की दुआ करें। जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हुज़ूर आलिमुल ग़ैब हैं और हर जगह हाज़िर नाज़िर हैं, बहरहाल वो काफिर हो जाते हैं, उससे निकाह वगैरह नहीं हो सकता। होटलों पर जो लंगर तकसीम होता है ये गरीबों के लिए है, अगर आप गरीब हैं तो ले लिया करें। तरावी की जमात हो रही हो और हमने फ़र्ज न पढ़े हों, हम्बली मसलक में तो आप उनके पीछे नियत करके खड़े हो सकते हैं, लेकिन इमाम वनीफा फरमाते हैं कि नहीं, इमाम कवि होना चाहिए ना कि मुक्तदी कवि हो, इमाम पढ़ रहा हो सुन्नत तो तुम पढ़ रहे हो फर्ज। कहते हैं जी के बाद बरेलवी कहते हैं कुरान जब कहता है कि सब्र और नमाज के साथ तुम मदद पकड़ो, तो नमाज और सब्र तो गैर अल्लाह है, अच्छा नमाज आप गैर अल्लाह की पढ़ते हैं, वाह भाई वाह, हम तो नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, लिहाजा नमाज अल्लाह की तरफ से है, मदद भी अल्लाह से मांगेंगे। ये अच्छा माना है कि सब्र और नमाज गैर अल्लाह है, लिहाजा मदद जायज है, वो अच्छी नमाज है जो गैर अल्लाह के लिए हो। एक सहाबी ने माफ़ी मांगी कब्र पे हजूर के, जवाब आया कि माफ़ कर दे अल्लाह आलम, हमने किसी हदीस में नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब को रात में जिन परेशान करते हैं उनके कहें कि सूरत अल बकरा टेलीफोन में फीड करके हेडफोन लगा के सुना करें।